हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स एचपी टीजीटी कमीशन की तरफ से एक नई अपडेट जारी की गई है और उसमें हिमाचल प्रदेश टीजीटी नॉन मेडिकल पोस्ट कोड 794 का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये हुआ था 30 नवंबर को, और 30 नवंबर को जो टीजीटी नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था। फ्रेंड्स इससे पहले पिछले कल टीजीटी मेडिकल पोस्ट कोड 793 का भी रिज़ल्ट अनाउंस किया जा चुका है। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी नॉन मेडिकल का, और ये एग्ज़ाम 30 नवंबर 2020 को हुआ था, और इसमें जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 144, टोटल 144 वैकेंसी थी, और इसमें जनरल यूआर कैटेगरी की 53 थी, ईडब्ल्यूएस की जनरल ईडब्ल्यूएस की 18, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 2, आप सभी को देख सकते हैं इसमें, और इसमें एससी की थी, एससी यूआर की 29, और इसमें हमारे पास ओबीसी की थी जनरल की 24, और ओबीसी बीपीएल की 5 थी। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 144 वैकेंसी थी। अब इसमें आगे बताया गया है कि इन रिस्पॉन्स टू दिस एडवर्टाइजमेंट 9156 एप्लीकेशन वर रिसीव्ड आउट ऑफ 8744 एप्लीकेशन वर प्रोविजनली एडमिटेड। तो इसमें आगे कट ऑफ क्या गई है इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे पास जो रिटर्न ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था 30 नवंबर को, तो इसमें हमारे पास टोटल जो है 6636 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, और इसमें से बताया गया कि 476 कैंडिडेट हैव बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड। तो इसमें टोटल कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे इस एग्ज़ाम में वो हुए थे 6636, और जो स्क्रीनिंग में पास हुए हैं वो है 476 कैंडिडेट, और इन सभी कैंडिडेट के रोल नंबर नीचे दिए गए हैं, आप सभी इनको देख सकते हैं। तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं स्क्रीनिंग टेस्ट में जो कि 30 नवंबर को हुआ था, उनके रोल नंबर नीचे दिए गए हैं, आप अपना रोल नंबर इसमें चेक कर सकते हो। टोटल हमारे पास 476 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं टीजीटी नॉन मेडिकल पोस्ट कोड 794 के एग्ज़ाम में। तो ये कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं। फ्रेंड्स ये था हमारे पास एक इम्पोर्टेंट अपडेट। अब हमारे पास इसमें आप देख सकते हो इसमें टोटल 476 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, और जो इसमें जो 15 मार्च का जो इवेल्यूशन होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का वो होगा 13 मई से लेकर के 7 मई तक, और इसमें इनका डीवी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसमें हमारे पास अब आगे क्या होगा, तो स्क्रीनिंग जो टेस्ट हुआ है इन स्क्रीनिंग टेस्ट के 85 मार्क्स काउंट किए जाएंगे, और जो डीबी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके 15 मार्क्स काउंट किए जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास एक फाइनल कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 100 मार्क्स की, और फाइनल कट ऑफ से ही डिसाइड होगा कि कौन से कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जो डीबी होगा वो 3 मई से लेकर के 7 मई तक होगा, ठीक है, 3 मई से 7 मई तक होगा, और टाइमिंग इसमें बताई गई है 9:30 AM। आप अपना रोल नंबर इसमें चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास बचता है टीजीटी आर्ट्स का रिजल्ट, जो कि जल्द ही आपको अनाउंस करते हुए दिखाई दे सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये रिजल्ट भी टीजीटी आर्ट्स का रिजल्ट भी 1 वीक के अंदर अंदर अब आ ही जाएगा। तो इससे पहले क्योंकि टीजीटी मेडिकल का आया था पिछले कल, और आज टीजीटी नॉन मेडिकल का, तो मुझे लगता है कि 1 वीक के अंदर अंदर आपको टीजीटी आर्ट्स का भी रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।